ओम शांति। जरा अपने भाग्य को देखें, स्वयं भगवान हमें राज्य तिलक देने आए हैं। ये राज तिलक सतयुग के लिए, स्वर्ग की बादशाही के लिए विजन बनाएं। सामने बाप दादा खड़े हैं, हाथ में ताज है, तिलक है और हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे, ये ताज तिलक तुम्हारे लिए है। देख लें अपने को, क्या हम भृकुटि सिंहासन पर बैठे रहते हैं? जो आत्माएं यहाँ भृकुटि सिंहासन पर बैठेंगी अकाल तख्त पर, जो आत्माएं बाप दादा के दिल तख्त नशीन होंगी, जो आत्माएं आत्मिक स्वरूप का तिलक सदा लगाए रखेंगी, उन्हें ये दैवी स्वराज का तिलक प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने हमें ये विधियां बताई हैं। तुम सदैव आत्मिक स्मृति में रहो, ये तिलक तुम्हें लगा रहे, क्या फायदा होगा इससे? आत्मा के सातों गुण जिनमें शक्तियां भी हैं, प्योरिटी है, प्रेम है, सुख है, वो सब इमर्ज हो जाएंगे और बाबा की पालना का अनुभव होगा, और बाबा की पालना लेते लेते हम भी मास्टर पालनहार बन जाएंगे, क्योंकि जिन्हें विश्व का राज संभालना है उन्हें प्रजा पालना के संस्कार स्वयं में धारण करने ही पड़ेंगे। और जो यहाँ अपने साथियों को सुख न दे पाए, जो यहाँ अपने साथियों को संतुष्ट न कर पाए, जो साथियों को ही प्रेम न दे पाए, जो उनके सुखों का ख्याल न रखें, वो भला प्रजा का ख्याल कैसे रखेंगे? तो यहाँ अपने ब्राह्मण संसार की पालना के संस्कार, वहाँ प्रजा पालना के संस्कार के रूप में चलते रहेंगे। तो हमें यदि सचमुच राज तिलक चाहिए तो हम ये तीनों धारणाएं अपनाएं। आत्मिक स्वरूप का तिलक, अकाल तख्त पर विराजमान, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान। और हम समझ सकते हैं बाबा के दिल तख्त पर कौन विराजमान होते हैं, अर्थात बाबा के दिल को कौन जीतते हैं, भगवान के दिल पर कौन राज करेंगे। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो बहुत पवित्र हो जाते हैं, जो सभी को सुख देते हैं, जिनके अंदर सच्चाई और सफाई है, जो हर आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं, जो बाबा की सेवाओं में तत्पर रहते हैं, उसके कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण करते हैं, उन पर भगवान राजी रहता है। और जो केवल नौकरी कर रहे हैं, मेरी तो 4 घंटे की ड्यूटी है, बस मुझे तो इतना ही करना है, मेरा तो टाइम पूरा हो गया, अब मैं और सेवा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, उनको वहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। और आगे चलें, जो यहाँ अपनी प्रजा बनाएंगे, बहुत सेवा करेंगे और प्रजा की पालना भी करेंगे, उनको ये राज तिलक मिल जाएगा। प्रजा की पालना भी करनी है, प्रजा बनानी भी है, लेकिन प्रजा के दिलों पर राज भी करना है, ताकि जब वोटिंग हो तो सच्चे दिल से वो जिसे वोटिंग देंगे वही उनके राजा बनेंगे, वही उनकी प्रजा बनेंगी। अगर प्रजा ने दिल से वोटिंग नहीं की तो राज अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये वोटिंग कलयुग जैसी नहीं, ये सच्ची दिल की वोटिंग होगी। जो जितनी आत्माओं के दिलों पर राज करेंगे वो उतने ही बड़े राज अधिकारी बनते जाएंगे। तो आज हम सारा दिन आत्मिक स्मृति का तिलक लगाए रखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा,
मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये भ्रकुटि मेरा सिंहासन है, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ और अपने मन को आदेश देंगे हे मेरे मन शांत। अव्यर्थ को समाप्त करो हे मेरी बुद्धि, डिवाइन हो जाओ, क्लीन हो जाओ, पवित्र हो जाओ। हर घंटे में एक दो बार ये सुंदर अभ्यास करेंगे। ओम शांति।